स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और ये वीडियो बाकी वीडियो से बहुत ज़्यादा अलग होने वाला है क्योंकि ये फर्स्ट अटेम्प्ट है अपना ऐसा कुछ तो अलग वीडियो बनाने का। सो ट्राई करूँगा कि मैं बहुत अच्छे से ये वीडियो बना पाऊँ, बट लेट्स सी जैसा जो होता है वो आगे देखा जाएगा। सो वेलकम बैक टू अ क्यू एंड ए वीडियो। बहुत दिन पहले मैं बता चुका था कि क्यू एंड ए करने वाला हूँ। क्वेश्चन भी बंदों ने ऐसे ऐसे डाले हैं ना, पढ़ोगे ना बस गिव अप कर दोगे तुम क्यू एंड ए पे। हाँ नहीं, बट अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी है, थोड़े इधर उधर के भी क्वेश्चंस है तो वो भी आंसर करने की कोशिश करूंगा। तो लेट्स सी क्यू एंड ए कैसे जाता है। सो चालू करने से पहले मैं ये बात बताना चाहता हूँ, दो इंपॉर्टेंट चीज है, ओके दो कॉमन क्वेश्चंस है जो मैं एंड ऑफ द वीडियो लूंगा, क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर टू। ये एक काम करो, सस्पेंस ही रहने दो, ये अपन लास्ट में देखते हैं इसका क्या सीन है। मैं आपको वो क्वेश्चंस भी लास्ट में बताता हूँ और उसका आंसर भी मैं लास्ट में दूंगा। तो स्टार्टिंग विद, दो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमने शेयर किए थे, एक यूट्यूब के कम्युनिटी टैब पे शेयर किए थे और एक दूसरे इंस्टाग्राम कम्युनिटी पे शेयर किए थे। तो इंस्टाग्राम पे भी क्वेश्चंस आए हैं, यूट्यूब पे भी क्वेश्चंस आए, तो वो दोनों हम टाइम बाय टाइम लेंगे। पहले हम यूट्यूब के सब आंसर करते हैं फिर इंस्टाग्राम पे चलते। सो लेट्स गो एंड एंजॉय द वीडियो। सो स्टार्टिंग विद द क्यू एंड ए, तो हम क्या करेंगे मालूम है, क्वेश्चन एंड आंसर में ना जिसने क्वेश्चन पूछा है उसका नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो किसी ने क्या पूछा है वो अभी आप देखोगे, आपको पता ही चल जाएगा कि ये मेरा क्वेश्चन है, ये उसका क्वेश्चन है। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लेने वाले हैं, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स अबाउट मैरिज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमारे व्यूअर्स की तरफ से। देखो मैरिज के प्लान्स वैसे तो है मेरे, हाँ मेरा एम है, मेरा गोल है कि ये कम से कम 15-20 शादियां तो मैं करूं, हाँ समझ रहे हो, 2-4 आईपीएल लीग खेल सकते हैं, हाँ इतनी टीम जमा करूं मैं। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है अगला क्वेश्चन, लेट्स चेक। इवन आफ्टर बीइंग सो अंडररेटेड, व्हाट कीप्स यू सो मच मोटिवेटेड टू डू लाइव स्ट्रीम्स डेली, एंड ऑल्सो आर यू गोइंग टू लीव YT फॉरएवर आफ्टर गेटिंग अ जॉब। तो ये एक में दो क्वेश्चन है, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन मैं आंसर करूंगा, वो मोटिवेशन कहाँ से आता है। तो बेसिकली यूट्यूब और स्ट्रीम करने के लिए मोटिवेशन, अलग से कुछ मोटिवेशन लेने की ज़रूरत नहीं लगती है मुझे, क्योंकि पता नहीं क्यों बट वो किए बिना दिन भी आगे नहीं जाते। लाइक नॉर्मल एक टाइप ऑफ वो डेली वर्क हो जाता है ना, लाइक अपन खाना खाते हैं, नहाने जाते हैं, नाश्ता करते हैं, वैसे ही एक यूट्यूब के कंटेंट करना, स्ट्रीम करना, वीडियोस के बारे में सोचना, वो एक टाइप ऑफ एक टाइम हो गया डे का कि ये टाइम पे वही करता हूँ मैं। सो उसके लिए अलग से मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है मुझे। एंड नेक्स्ट इज, आर यू गोइंग टू लीव YT फॉर एवर आफ्टर गेटिंग अ जॉब। सो डिपेंड्स, सिचुएशनल है, आगे कैसी सिचुएशन आती है उसके ऊपर है। इफ द चैनल गोज वेल इन द अपकमिंग ईयर, तो लेट सी, इट इज़ पॉसिबल कि मैं फुल टाइम YT करूँ, यूट्यूब करूँ, एंड इफ द थिंग्स डज नॉट गो आवर वे तो फिर कुछ ना कुछ तो करके अपन YT कंटिन्यू करेंगे। यूट्यूब लीव करना मेरे लिए इतना ईजी नहीं होगा, लेट सी, होप फॉर द बेस्ट। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ रहे हैं, जिंदगी में सबसे बुरे कब फंसे हो और कम बैक कैसे। तो अभी तक तो फिलहाल मैं इतना कुछ एकदम सीरियस सिचुएशन में फंसा नहीं हूँ, बट सिचुएशंस हैं मतलब जो बुरे हैं और एक टाइप ऑफ मैं उसमें फंस ही गया हूँ, ऐसा प्रॉब्लमेटिक नहीं है बट है। और कमबैक उसमें इम्पॉर्टेंट है, कमबैक देना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये टाइम आ चुका है, बहुत क्लोज है, वो कमबैक का टाइम बहुत क्लोज आ चुका है। तो वी आर प्रिपेयरिंग फॉर आवर कमबैक होपफुली। नेक्स्ट सवाल आता है, इज देयर एनी ब्रांड कमिंग इन फ्यूचर, मे बी यस मे बी नॉट। इसका आंसर मैं नहीं दे सकता, इसका आंसर बस हमारे यूट्यूब और उसका सपोर्ट ही दे सकता है। बट जो अभी अपन स्टेज पे है उस वो स्टेज पे कौन सा भी ब्रांड अप्रोच करना थोड़ा सा टफ है, बट थोड़ी मेहनत और थोड़ा सा सपोर्ट आपकी तरफ से और होपफुली वी गेट अ न्यू ब्रांड फॉर आवर लाइव स्ट्रीम। यस लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुलर स्ट्रीमिंग व्हेन, इंडिया वांट्स टू नो। ये तो ये मेरे को भी क्वेश्चन है, या आपका ही क्वेश्चन है, मेरा भी क्वेश्चन है। ट्राई तो मैं करता हूँ कि रेगुलर स्ट्रीम करूँ, बट होती है बाकी की चीज़ें भी होती है और वो करनी पड़ती है, और इग्नोर करके नहीं चलता। अगर वो चीज़ें मैं इग्नोर कर दिया ना, मेरे घर वाले मुझे इग्नोर कर देंगे। सो ट्राई करता हूँ मैं, एंड होपफुली वी डू रेगुलर स्ट्रीमिंग वेरी रेगुलरली।
नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, इस साल सबसे बेस्ट महीना कौन सा रहा तेरे लिए? सो बेस्ट महीना ये साल, वैसे तो सब प्लेन प्लेन था, ऐसा कुछ एज ऑफ सच एकदम ही अच्छा कुछ ऐसा हुआ नहीं है. बट हाँ, द मंथ जब मुझे वर्ल्ड कप का मंथ, जब मुझे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान और इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फाइनल देखने मिला ना अहमदाबाद जाके, दैट वॉज वन ऑफ द मेमोरेबल एंड द बेस्ट टाइम्स. ऑफकोर्स उसके एंड ऑफ द डे में हार्ट ब्रेक मिला अपन सबको, बट ठीक है यार, एक्सपीरियंस करने मिला, वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, इट वॉज वेरी गुड. सो हाँ, मतलब ईयर का यही टाइम मेरे लिए सबसे बेस्ट था. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज योर पर्पस फॉर बीइंग अ यूट्यूबर? पर्पस एज सच ऐसा कुछ नहीं था, मतलब ऐसे, मतलब मैं डिसाइड करके नहीं आया था कि मैं यूट्यूबर ही बनूंगा. सिर्फ फ्लो फ्लो में इसमें थोड़ा सा अट्रैक्शन हुआ, ट्राई किया, थोड़े जमने लग गया, लोगों का भी थोड़ा, इतना एकदम ही खराब भी नहीं, एकदम ही अच्छा भी नहीं, एक डिसेंट लेवल का सपोर्ट भी मिलने लग गया, तो फिर है अभी तक. मतलब यूट्यूबर बोल नहीं सकते, मतलब बिगनर्स स्ट्रगल जो बोलते हैं ना, वैसे कुछ तो चालू है. होप सो कि आगे भी ये कंटिन्यू हो. नेक्स्ट, ग्रेजुएशन के बाद यूट्यूब करोगे या नहीं? वापस ये क्वेश्चन डिपेंड्स, सिचुएशनल है. एज मैंने पहले ही वीडियो में बोला था कि कैसे सिचुएशन आती है, यूट्यूब का क्या रिस्पॉन्स आता है, तुम सबका क्या आता है, उसके ऊपर ही मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि हम करेंगे कि नहीं, मतलब फुल टाइम करेंगे या पार्ट टाइम करेंगे. माइंड भी हो सकता है कि अगर अच्छा रिस्पॉन्स अपने साइड से, पॉजिटिव रिस्पॉन्स जैसे अच्छे है वैसे नहीं आया, तो माइट बी यूट्यूब हम पार्ट टाइमली शिफ्ट करेंगे और फुल टाइम कुछ और काम करना पड़े थोड़े दिनों के लिए. बाय द टाइम यूट्यूब पिक्स अप, एक बार अगर यूट्यूब ने पिकअप पकड़ लिया, तो फिर यूट्यूब इज द फुल टाइम फॉर द लाइफ टाइम. सो यस, लेट्स सी. नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, जब आपने यूट्यूब में करियर करना है इसके बारे में पेरेंट्स को बताया, तो क्या रिएक्शन था और कैसे बताया कि स्ट्रीमर बनना है? मतलब अभी तक बताया नहीं है कि स्ट्रीमर बनना है, यूट्यूब करता हूँ ये मालूम है, बट उनको लगता है कि ये मतलब ऐसा ही है, मतलब ऐसे ही एज अ करियर वाइज नहीं है, ये नॉर्मल है, मतलब चल गया तो फिर ठीक है, सोच लेंगे, बच्चा कर रहा है, मन लग रहा है तो लगने दो, ऐसा करियर वाइज ही बताया नहीं है मैंने घर पे कि यही होने वाला है. सो उसके लिए टाइम है, पर हाँ, अगर आपका सपोर्ट मिलता तो रिवील कर दूंगा मैं घर पे, मतलब बता ही दूंगा, नहीं मुझे यही करना है फॉर लाइफ. थोड़ा सा भरेंगे पर ठीक है. सो वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं. जस्ट टेल द एक्सपीरियंस ऑफ यू एंड योर फैमिली आफ्टर रिसीविंग फर्स्ट पेमेंट फ्रॉम यूट्यूब. मतलब जब भी मुझे पहली बार मतलब पेमेंट आया था, अभी रिसेंटली हुआ था, तो खुशी तो बहुत हुई थी, सच बोलता हूँ बहुत खुशी हुई थी यार, गेम खेलने के पैसे, अकेला कैमरे के सामने बड़बड़ाने के पैसे, यू नो, ऐसे कुछ अलग कर रहा हूँ ऐसा इसका फील आ रहा था. घर पे भी बताया भाई, पैसे आए हैं अकाउंट पे, क्रेडिट हुआ है, देखो देखो, ऐसा फोन बता रहा था. हाँ, घर वालों का रिएक्शन भी अच्छा था, मतलब इतना भी बुरा नहीं था, सब लोग खुश थे, सब लोग हाँ बाबा कुछ तो आया, कुछ तो हुआ, थोड़ी सी हरकत हुई. हाँ, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, मेमोरेबल था, इट वॉज वेरी नाइस. बस बाकी और कुछ नहीं. ओके, तो यूट्यूब के क्वेश्चंस यहाँ पर ही खत्म होते हैं, मैंने फटाफट सब क्वेश्चंस का आंसर दे चुका हूँ मैं. इंस्टाग्राम के क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ेंगे अभी, और इंस्टाग्राम में जो जो क्वेश्चंस आए हैं वो आंसर करने की कोशिश जरूर करेंगे. लेट्स सी इंस्टाग्राम पे क्या आया है. ओके, सो इंस्टाग्राम क्वेश्चंस पर हम आ चुके हैं, और इंस्टाग्राम पे पहला क्वेश्चन ये आया है कि YT चैनल से कितने खोके भरते हो? बहुत सारे खोके भरता हूँ मैं. बहुत सारा पैसा है वो यूट्यूब से मेरे पास, मतलब अभी रिसेंटली मैंने जी वैगन बुक की है इन पैसों से, और वो मर्सिडीज वालों में मुझे उसके अंदर का एक तकिया दिया है इन पैसों में, और वो तकिया वो देखो उधर आपको दिख रहा होगा आधा सा उधर रखा हुआ है, तो ये तकिया. क्या क्वेश्चन पूछते हो यार, सेम क्वेश्चन नीचे है, व्हाट इज योर यूट्यूब इनकम, तो उसका भी यही आंसर है. देखो एट लास्ट, जोक्स अपार्ट, सब कुछ ऐसे ही मजाक में अपार्ट, बट देखो इम्पोर्टेंट अभी के टाइम पे फिलहाल तो मुझे इम्पोर्टेंट पैसा नहीं लगता इतना, कि यूट्यूब से मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि पैसे आए एंड ऑल, बट एटलीस्ट अपने पास एक अच्छी पब्लिक आए, मतलब समझ रहे हो, एक हेल्दी ऑडियंस आए अपने पास, ये एक्सपेक्टेशन है. लोगों की ज़्यादा कदर है मुझे, पैसे से ज़्यादा लोगों की कदर है. पैसा अभी के फिलहाल तो ये स्टेज पर मुझे पैसा यूट्यूब से तो एक्सपेक्टेड है नहीं, और मुझे चाहिए भी नहीं, मुझे लोगों का सपोर्ट चाहिए, मतलब आई नीड पीपल.
सो मतलब लोग होंगे तो समझ रहे हो तुम, सब सिचुएशन ले रहे, लोग होंगे तो फिर अच्छा मूड रहता है, पॉजिटिविटी रहती है, उसके हिसाब से कंटेंट बनेगा और समझ रहे हो, फिर बहुत मजा आता है, समझो यारो। अच्छा एक इधर यहाँ पर एक है, मैं उस दिन 6,000 रुपये दे देता हूँ ओमेगल पर, ऐसा क्यों किया वैसा। अरे भाई माफ कर दे यार, माफ कर दे। अरे मेरे पास ही नहीं थे 6,000 रुपये तेरे को देने, मैं कहाँ से तेरे को ट्रांसफर करूंगा। माफ कर दो यारो। अच्छा हाँ, अगर जो जो लोग को ये 6,000 और ओमेगल का सीन पता नहीं है तो उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो अपने चैनल पर है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाकर वो वीडियो देखो, फिर आपको 6,000 और ओमेगल का सीन पता चलेगा। भाई माफ कर दो यारो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्टाग्राम की तरफ हम बढ़ते हैं। यूट्यूब पे क्यों और कैसे आए और पीसी कैसे लिया? यूट्यूब पे क्यों और कैसे, मतलब सोचा नहीं था, मतलब फर्स्टली तो फिक्स नहीं था कि यूट्यूब पे मैं और ऐसा फेस कैम वगैरह ऑन करके अकेला बड़बड़ाऊंगा, इम्पॉसिबल था मेरे से ये करना। बट हाँ मतलब देख देख के अपन भी एक बार ट्राई करते हैं। ट्रायल में 2 साल निकल गए और मैं वीडियो बनाता गया, स्ट्रीम होती रही। पीसी कैसे लिया, तो सीक्रेट की बात है, पीसी कैसे लिया, मतलब पीसी का क्या सीन है मालूम है, घर पे तो वैसे तो नहीं दे रहे थे पैसे, बट मैंने थोड़े थोड़े स्कैम करके पैसे पीसी ले लिया, मतलब बताया नहीं था घर पे कि मैं पीसी ले रहा हूँ। हाँ बट पता चल ही गया था उनको कि इसने घर में से पैसे लिए एंड पीसी बनाया है, तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, ठीक है पीसी ही लिया ना और कुछ गलत तो नहीं किया ना, तो दे स्पेड मी दैट टाइम, बट ये गलत बात है, जो भी है बता के लेना चाहिए था, बट इट्स ओके। बट उसका कुछ तो यूज़ कर रहे हैं अपन, लाइक तब मैं अगर वैसा नहीं करता तो शायद आज ये चैनल ना होता, शायद जितने भी अपने पास लोग हैं 2000 तो 2000 उतने भी लोगों की कुछ तो वैल्यू हो, वो कभी नहीं होते। सो मैं रिग्रेट नहीं करता वो डिसीजन, बट हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द इंस्टाग्राम, अगर फ्यूचर में यूट्यूब नहीं हुआ तो क्या करोगे? फ्यूचर में अगर यूट्यूब नहीं हुआ तो क्या करोगे, ये इसका प्लान मेरे पास फिलहाल तो नहीं है, बट आपने जो क्वेश्चन पूछा है वो होना बहुत मुश्किल है, वेरी डिफिकल्ट कि यूट्यूब नहीं चलेगा। ऑफकोर्स विद अ पॉजिटिव माइंड सेट और थोड़ा और हार्डवर्क, थोड़ा और पुश, शायद मेरे हिसाब से अपना चैनल चलना ही चाहिए। आई थिंक सो बट मुझे नहीं पता कि आपको कंटेंट पसंद आ रहा है नहीं पसंद आ रहा है। मैं सिर्फ ब्लाइंडली इस वीडियो बनाते जा रहा हूँ और इस आशय में बनाते जा रहा हूँ कि कभी ना कभी तो अपना चैनल चलेगा। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट कि अपना चैनल चले और लेट्स सी, हो जाएगा, इतना टेंशन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन इंस्टाग्राम, भाई कार्स में कौन सी फेवरेट है एंड क्या लिविंग जी वैगन, मतलब जी वैगन छोड़ के कौन सी कार्स फेवरेट है? अगर जी वैगन नहीं, मतलब जी वैगन तो ऑफकोर्स ऑल टाइम, कभी भी नींद में भी पूछे कौन सी गाड़ी अच्छी लगती है जी वैगन बोलूंगा। उसके बाद अगर कुछ मुझे अच्छा लगता है तो इट विल बी मतलब डिबेट है, इट विल बी पोर्शे और डिफेंडर, बहुत पसंद है मुझे वो, एंड थोड़ा सा और लो बजट में आ गया ना, थोड़ा और लो बजट में, सो देखो सबको अच्छी लगती है फॉर्चूनर, वन ऑफ द बेस्ट कार्स, मतलब सेफ्टी वेफ्टी के बारे में वो सब तो छोड़ दो, बट हाँ लुक वाइज एंड ऑल अच्छी लगती है, आई लव फॉर्चूनर एंड ऑफकोर्स मेरी अपनी गाड़ी इनोवा, आई लव द कार, मतलब वो तो है ही, बट हाँ जी वैगन ऑल टाइम टॉप, उसको कोई हरा नहीं सकता, कितना भी कुछ भी बोले, नथिंग कैन डू टू द जी वैगन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं, विच वर योर वर्स्ट डेज इन दिस जर्नी, प्लीज डिफाइन देम, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव। वर्स्ट डेज इन दिस जर्नी, देखो 2 ईयर्स की जर्नी थी अपनी और है, मतलब अभी भी चल रही है, तो उसमें सबसे वर्स्ट टाइम मुझे लग रहा है, कि यही है, पिछले 1-2-3 महीने ही है जो मतलब थोड़े से टफ रहे अपने लिए। हाँ बट लास्ट मंथ देखा जाए तो स्ट्रीम भी ज़्यादा नहीं हुई है, बट उससे भी पहले मतलब नहीं चल रहा है, मतलब जैसा चल रहा है ना यूट्यूब नहीं हो रहा है, मतलब व्यूज़ ओके ही है, मतलब बुरे ही है, मतलब क्या ही आपसे छुपाना, ऑनेस्टली बुरे हैं, एंड वी डोंट हैव न्यू पीपल, वी डोंट हैव न्यू सब्सक्राइबर्स, बट हाँ रुके नहीं है, मतलब डीमोटिवेटेड नहीं है। हाँ थोड़ा एक फेज़ आता है कि ऐसा लगता है सब कुछ छोड़ दूँ
और कुछ अलग ट्राई करूँ, बट नहीं, एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द वीक मुझे आके आपके सामने बात करनी ही पड़ती है, तो ही अच्छा लगता है, नहीं तो फिर अच्छा नहीं लगता. सो या है टफ टाइम चालू है, ऑलरेडी वर्स्ट फेज चालू ही है, ऐसे मैं बोलूँगा. अभी तक का मतलब जर्नी का वर्स्ट फेज अभी ही चालू है, बट हाँ फॉर श्योर 101% ये फेज निकलने वाला है. आई थिंक ये फेज का एंडिंग है, आई थिंक सो. थोड़ा सा और पुश, थोड़ा सा और हार्डवर्क एंड वील बी एट द टॉप 101%. हाँ मतलब ऑफकोर्स आप लोग का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसमें, आई होप. एंड विद दैट क्वेश्चन वी कम टू एन एंड टू द क्वेश्चन ऑफ द क्यू एन ए वीडियो. थे मतलब बहुत सारे क्वेश्चन थे, ऑलमोस्ट 15-20 क्वेश्चन मैंने आंसर किए होंगे. हाँ और अभी द फाइनल कॉल, द लास्ट टू कॉमन क्वेश्चन जो क्यू एन ए में ऑलमोस्ट सबने ही पूछे थे, मतलब ये क्वेश्चन तो थे ही, उसके बाद भी लोगों ने सेकंड क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा था. क्वेश्चन नंबर 1 जो कॉमन क्वेश्चन आता है, जी वैगन कब ले रहे हो? और ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगता है आंसर करने. एंड क्वेश्चन नंबर 2 जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, गर्लफ्रेंड कब बना रहे हो? ओके तो क्वेश्चन नंबर 1 पे हम आते हैं फिलहाल. तो जी वैगन कब? देखो जी वैगन मतलब लेनी तो है, 101% वो लेनी है, एट एनी चॉइस, एट एनी सिचुएशन वो कार मुझे चाहिए मेरे घर के नीचे. बट वो तभी पॉसिबल है, एंड द बेस्ट वे आई कैन बाय इज जब वो यहाँ से आए, मतलब यूट्यूब के थ्रू आए. बाकी कुछ भी करके उसमें उतना मज़ा नहीं आएगा जितना मुझे यूट्यूब के थ्रू हम जी वैगन ले, उसके अराउंड कॉन्टेंट बनाए, उसमें घूमें, आप सबके वजह से वो गाड़ी अपने पास आए, समझ रहे हो, वो एक अलग फीलिंग रहेगी. एंड आई होप सो कि हम वो कार लेंगे. मतलब टफ है, बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत बड़ी अमाउंट है, उतनी अमाउंट ना मैंने कभी देखी होगी, ना मैं सोच सकता उसके बारे में उतनी की वो है. बट होप सो वन डे वी गेट दैट कार, एंड वो दिन बहुत बड़ा होगा, लाइक वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द बिगेस्ट डेज इन माई लाइफ वो होगा दिन. एक ड्रीम कम ट्रू, ऑलमोस्ट अ ड्रीम है वो. होप सो वन डे ज़रूर वो कार हमारे पास होगी. बट उसके लिए फॉर श्योर तुम सबका सपोर्ट एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. मतलब कार लेना तो ऑलमोस्ट एक 20-30% पार्ट हो गया, बट बाकी का 70% इज यूट्यूब, उसके अराउंड के लोग, उसका सपोर्ट एंड ऑल इज, बाकी का 70% तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. सो यस, होप फॉर द बेस्ट अपकमिंग ईयर, होप फॉर द बेस्ट. और अभी आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे, गर्लफ्रेंड कब? हाँ ये क्वेश्चन का आंसर अगर मेरे पास होता ना जरूर मैं देता, बट फिलहाल अनफॉर्चुनेटली इसका आंसर मेरे पास नहीं है. एंड जब आप होगी तब देखेंगे यार, ऐसा कुछ उसको प्रायोरिटी नहीं है कि मैं ढूंढू ही. फिलहाल तो मेरा पूरा ध्यान यहाँ पर है, ऑन यूट्यूब, ऑन कॉन्टेंट और बाकी के चीज़ों पर. सो हाँ ये क्वेश्चन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब जी वैगन. तो फर्स्ट जी वैगन, देन समझ रहे हो, तो जी वैगन इज द प्रायोरिटी फॉर नाउ. एंड वी कम टू द एंड ऑफ ऑल द क्वेश्चन, मतलब जितने भी क्वेश्चन यूट्यूब पर थे और इंस्टाग्राम पे थे उसके एंड पर हम आ चुके हैं. एंड इट्स टाइम कि हम एंड करें. बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा कि क्यू एन ए में ऐसे क्वेश्चन आए और आंसर करने में भी मजा आया. मतलब ऐसा इसका कुछ पर्टिकुलर स्क्रिप्ट नहीं था, जो मेरे मन में आया वो मैंने बोला है. अगर कुछ ऊपर नीचे बोला हो, कुछ आगे पीछे बोला हो तो माफ़ कर देना. एंड वी एंड दिस वीडियो. तो वीडियो एंड करने से पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कुछ कुछ क्वेश्चन थे जो अच्छे थे, कुछ कुछ क्वेश्चन थे वो ठीक थे, और कुछ कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने स्किप किए क्योंकि वो मतलब कुछ था ही नहीं उसमें. बट थोड़े बहुत जो कॉमन क्वेश्चन थे, मतलब जो जी वैगन के बाद, जी वैगन का हो गया, यूट्यूब छोड़ोगे क्या, यूट्यूब करोगे क्या, क्या करोगे ग्रेजुएशन के बाद में, ये सब का, ये सब है ना, ये सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है एंड इसका डायरेक्ट कनेक्शन आप सब से बनता है अगर आपने सपोर्ट अच्छे से किया एंड सब कुछ अच्छा अगर होता है. अगर नए लोग आए, नए सब्सक्राइबर्स आए, तो होप फॉर श्योर आपको ये सब क्वेश्चंस का आंसर आने वाले दिनों में आपके सामने होगा. एंड हाँ सपोर्ट तभी आएगा जब मैं अच्छा कंटेंट दूंगा, एंड ऑफ कोर्स आई विल ट्राई फॉर श्योर कि मैं मेरी तरफ से बेस्ट कंटेंट दूँ ऑन लाइव स्ट्रीम, ऑन वीडियोज़, ऑन ब्लॉग्स, जितना मेरे से हो सकता है, जो भी जॉनर में मैं जा सकता हूँ वो सब जगह पर मैं जाकर कंटेंट
ट्राई करूंगा, जमा तो ठीक है, नहीं जमा तो फिर वेल एंड गुड, देखते हैं आगे कैसा होता है। एंड होप सो ये वीडियो आपको स्पेशली पसंद आया, एक अलग सा वीडियो था, एक अलग ट्राई था इस वीडियो में। सो या इट्स टाइम टू एंड द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल नाउ। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो फॉर श्योर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड द सब्सक्राइब बटन सो वी कैन मेक मोर कॉन्टेंट लाइक दिस। एंड लाइव स्ट्रीम पे आना मत भूलना, बाकी के वीडियोज के लिए स्टे ट्यून्ड, और भी वीडियोज बहुत जल्द आ रहे हैं। तब तक के लिए गुड नाइट, स्लीप टाइट, डोंट लेट द बेड बग्स बाइट, तुम भी आई हो, हम भी आए हैं, एंटरटेनमेंट भी यही रहेगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड नाइट। कट हो जा भाई।